I welcome you all to my channel, that is Explore Education. Okay, nowadays I am going to I am teaching BA part 1, hence I am dealing with basic topics in education. So today the topic of my discussion is formal, informal and non-formal education, and this video will be in bilingual. Bilingual means that is in for Hindi and English medium both students. Okay, सो हमको बात किसकी करनी है, फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल गैर औपचारिक एंड नॉन फॉर्मल मतलब अनौपचारिक शिक्षा. किसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे, किसको अनौपचारिक कहेंगे, किसको गैर औपचारिक कहेंगे. ओके, एंड आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक शिक्षा. तो हम ये जान लें कि औपचारिक शिक्षा क्या है. वो सारी शिक्षा जो हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ग्रहण करते हैं, जो एजुकेशन लेने के लिए आप कहीं एडमिशन लेते हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, जो शिक्षा के लिए बनाया गया है, तो वो सारी शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन के तहत आती है. तो शुरू करते हैं इसको. फॉर्मल एजुकेशन इज द वन दैट वर्क्स अंडर द फ्रेमवर्क सेट बाय इंडिविजुअल बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन. यानी शिक्षा के विभिन्न बोर्ड्स ने जो बनाया है फ्रेमवर्क, उसके अंतर्गत ही आता है. मतलब इसका कोई नियम कानून प्रावधान सुनिश्चित है. दूसरी बात, The orderly learning environment includes educational institutions, classrooms, specially trained teachers, teaching equipment, extracurricular activities, competitions, examinations and a curriculum or syllabus. मतलब इतनी चीजें हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगी. मतलब कोई ऑर्डर होगा, पहले हाफ ईयरली होता है, फिर एनुअल होता है, पहले फर्स्ट सेम होता है, तब सेकेंड सेम होता है. ऐसे नहीं कि कोई सा भी हम हैपजर्ड वे में चल रहे हैं, ये नहीं होगा. ऑर्डरली होगा, लर्निंग एनवायरमेंट होगा, यानी कि उस एनवायरमेंट में लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, लर्निंग आप ग्रहण करेंगे, अधिगम ग्रहण करेंगे. और कहाँ होगा, उसमें क्या क्या आएगा, शैक्षिक संस्थान आएंगे, कक्षा कक्ष आएगा, ट्रेन्ड टीचर्स आएंगे. मतलब कोई ट्रेन्ड टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई भी आकर आपकी क्लासरूम में खड़ा होकर आपको नहीं पढ़ा सकता है. टीचिंग इक्विपमेंट, लैबोरेटरी होगी तो वहां इक्विपमेंट होंगे, लाइब्रेरी होगी तो वहां बुक्स होंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी वहां पे, पढ़ाई के साथ सहपाठ्येतर भी क्रियाकलाप होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, परीक्षाएं होंगी, एक पाठ्यक्रम या सिलेबस आपको फॉलो करना होगा. ये सब कुछ तय करता है कि आप जो एजुकेशन ग्रहण करने जा रहे हैं वो फॉर्मल है, फॉर्मली एजुकेट होने के लिए बनाए गए संस्थान. ओके, देन फॉर्मल एजुकेशन एज द नेम सजेस्ट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इन नेचर एज प्रॉपर गाइडलाइंस आर लेड एंड द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर दीज गाइडलाइंस. यानी बहुत स्ट्रक्चर्ड है ये, कब एडमिशन होगा, कब फर्स्ट सेम होना है, कब सेकेंड सेम होना है, कब एग्जामिनेशन होना है, सब कुछ का स्ट्रक्चर प्री डिसाइडेड है, पूर्व निर्धारित है, तय है, सुनिश्चित है, प्लैंड है. हम अपने मन से, अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सीबिलिटी से इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स आर मतलब हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस, आप इससे डेविएट नहीं कर सकते. सो डेविएशन इज नॉट पॉसिबल इन फॉर्मल एजुकेशन. ओके, और क्या है फॉर्मल एजुकेशन? इट इज फॉलोड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर कोर्सेज दैट फॉलो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोर्स वर्क. सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज. इसकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकली डिजाइन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द हायरार्की इज फॉलोड. जैसे मैंने बताया ना, पहले आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर सेकेंड में जाते हैं, फिर थर्ड, पहले हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, फिर हायर सेकेंडरी में, फिर हायर एजुकेशन में. यानी कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिजाइंड स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, इसमें हायरार्की है. सिलेबस एंड बुक्स आर असाइंड करेक्टली. आपको बताया जाता है कि आपका ये सिलेबस है और उसी में से एग्जामिनेशन होगा. तभी तो स्टूडेंट्स कहते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो फिर उस क्वेश्चन को चेंज भी करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि निर्धारित है कि इसी पाठ्यक्रम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे. Then the schedule is maintained and followed. एक schedule, एक सूची इसकी निर्धारित होती है और उसको follow करना पड़ता है. फिर regular exams and tests are conducted. इसमें आपकी बीच बीच में परीक्षाएं होती हैं. Fee are applied. यानी कि without fee नहीं होता है ये कार्यक्रम. आपको कोई fee deposit करनी होती है उस particular course degree को complete करने के लिए. And the students work in a disciplined organization. मतलब you have to follow social norms to be formally educated in any sort of educational institution. You have to follow discipline. आप without discipline के school, college में नहीं घूम सकते. Okay.
देन वर्क टूवर्ड्स इंस्टिलिंग टेक्निकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, मतलब फॉर्मल एजुकेशन आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स सिखाती है. ए प्रॉपर शेड्यूल हेल्प्स इन डिसिप्लिनिंग द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल. देखिए सारे स्टूडेंट्स का एक ही सॉरी कॉमन गोल है कि वो पर्टिकुलर कोर्स पास कर लें, अच्छे नंबरों से पास कर लें, वो डिग्री हासिल कर लें. हमारा सबका एक ही कॉमन गोल है और उसी के लिए आप डिसिप्लिन्ड किए जाते हैं. देन टीम वर्क एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स गेट डेवलप्ड. मतलब आप वैक्यूम में नहीं पढ़ाई करते हैं, आपको पीयर ग्रुप के संग भी आपको अपना एडजस्टमेंट करना होता है, उनसे भी आप सीखते हैं, आप टीचर से सीखते हैं, आप पूरे जैसे ही आप विद्यालय में घुसते हैं उसमें उसके बाद हर चीज आपको सिखाती है फॉर्मल एजुकेशन में. तो आपको सोशल इंटरेक्शन स्किल भी सिखाई जाती है, टीम वर्क सीखते हैं आप, और अ सर्टिफाइड कोर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एक सर्टिफाइड कोर्स है, यानी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफाई किया जाता है. देन एजुकेशन इज ऑब्टेन्ड अंडर द प्रोफेशनली ट्रेन्ड एजुकेटर्स. मैंने बताया ना कि आप जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसके लिए ट्रेन्ड एजुकेटर आपको कक्षा कक्ष में मिलते हैं. ओके देन तो बहुत अच्छी लग रही है देखने से, फॉर्मल एजुकेशन में कोई हमको कमी खामी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी भी कुछ हानियां हैं. कैसे? डिसएडवांटेजेस आर हियर. क्या है ये? स्टूडेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोसाइटी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन स्कूल्स कॉलेजेस एटसेट्रा. देखिए आपको कहा जा रहा है ना कि जैसे ही आप इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं हर व्यक्ति आपको किसी ना किसी रूप में शिक्षित कर रहा है. तो जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति आपको पॉजिटिवली शिक्षित कर रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी मिल जाता है बिकॉज सो मैनी पीपल आर देयर. ओके फिर एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज एंड कीपिंग एवरीवन टुगेदर अंडर टिपिकल कोर्स वर्क कैन बी डिसएडवांटेजियस टू स्पेसिफिक स्टूडेंट्स. कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट एबिलिटी है, डिफरेंट कैपेसिटी है, वो कुछ और चीज में एक्सेल हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं सबको एक टिपिकल कोर्स वर्क देते हैं और सबको टिपिकल तरीके से उसको पास करना होता है. तो जो एक्स्ट्रा जो बच्चे के अंदर स्पार्क होता है स्टूडेंट के अंदर वो कहीं इसमें हैम्पर होता है क्योंकि उसके लिए कोई चीज इसमें नहीं है. सभी को एक मीडियोकर तरीके से ट्रीट किया जाता है. देन द कॉस्ट्स इनकर्ड एंड द रिसोर्सेज यूज्ड कैन कम आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन. बहुत महंगी भी हो जाती है फॉर्मल एजुकेशन कई आप कोर्सेज में देखिए मेडिकल वगैरह में. ओके देन इनफॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल का मतलब कि वो एजुकेशन जो हमको स्कूल कॉलेज में मिल रही थी जब हम जा रहे थे डिलीबरेटली हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं कि हमको इस शिक्षित होना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है हमको सिर्फ स्कूल कॉलेज सिखाता है. क्या और चीजें हैं? एवरीबडी. डीवी क्या कह रहा है? डीवी कहता है कि ऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर एजुकेटिव. मतलब जब आप जन्म लेते हैं से जिस दिन मृत्यु का दिन होता है उसके बीच में हर व्यक्ति हर अनुभव हमको सिखाता है. ऑल एक्सपीरियंसेस आर एजुकेटिव. तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या हुई? इज द टाइप ऑफ नॉलेज दैट वन गेन्स थ्रू सेवरल लाइफ एक्सपीरियंसेस. जो जीवन आपको सिखा रहा है, कहते हैं ना जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है, जीवन के अनुभव जो आपको सिखाते हैं वो भी तो सिखाते हैं ना, लेकिन उसके लिए आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, कोई उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिसिप्लिन आप वहां नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी शिक्षा आ जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत. और हिंदी में इसको बोलते हैं गैर औपचारिक. ओके तो इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल नेसेसरी स्किल्स ऑफ लाइफ दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस कम्स अंडर दी कैटेगरी, दिस कैटेगरी है ना, कि लाइफ स्किल्स जब हमको सिखाता है जो जीवन हमारा वो इनफॉर्मल एजुकेशन है. और इट डज नॉट कंटेन द थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द बुक्स. आप ये कह सकते हैं कि ये हमको कोई थ्योरी नहीं सिखाता है, लेकिन हमको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाता है कि कैसे उस थ्योरी को यूज करना है. लर्निंग टू ड्राइव, कुक आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स है ना. कुकिंग के लिए जनरली कोई कोर्स नहीं करता है, मतलब आप स्पेशली कोई कोर्स करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन हर 130-135 करोड़ भारतीयों में जितना किसी को कुकिंग आती है वो सब उसने लाइफ एक्सपीरियंसेस से उसको इनफॉर्मली एजुकेट होकर सीखा है. देन द मोस्ट एक्सीलेंट टीचर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज एक्सपीरियंस. हमारा अनुभव है जो सबसे बढ़िया टीचर है इनफॉर्मल एजुकेशन का. तो इसकी कौन सी खास बातें हो जाएंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी? फ्री फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसका कोई नियमावली नहीं है, ये संगठित नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः हो जा रही है. ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम डिलीबरेट इफेक्ट करते हैं. कई बार स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, हमने वो चीज कभी बनाई नहीं होती, लेकिन हमने हमेशा अपनी माँ को बनाए देखा होता है और फिर जब हम उसको बनाते हैं तो हम उसको बना लेते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमने सीखा है, हमारे अनुभवों में है, हमने कभी खुद नहीं बनाया था.
तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी इस तरीके की लर्निंग की होती है. नो फॉर्मल करिकुलम, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो हमको माँ बाप सिखाते हैं, जो हमको अनुभव सिखाते हैं, उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, पर ये सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं. देन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, मतलब हम इसको ग्रेड नहीं कर सकते, इसमें अंक नहीं मिल सकते कि आज हमको 10 में 10 कितने नंबर जीवन ने दिए. ओके, एंड वर्ल्ड इज क्लासरूम हियर, यहाँ पे पूरा संसार ही हमारा कक्षा कक्ष है, क्योंकि पूरे संसार में हम सीख रहे हैं, संसार और संसार के अनुभव हमको सिखा रहे हैं. ओके, और क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन में, कि इट मे इंक्लूड इनफॉर्मल लर्निंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज दैट अकर इन द फैमिली, मतलब वो सारी क्रियाएं जो हमारे परिवार में हो रही, हमारे वर्क प्लेस पे हो रही, हमारे समुदाय में हो रही है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हो रही हैं, सेल्फ डायरेक्टेड, फैमिली डायरेक्टेड और सोशली डायरेक्टेड बेसिस. और इसका आधार क्या है, स्व निर्देशित है, परिवार से निर्देशित हो रहा है और समाज द्वारा निर्देशित, ये अधिगम है. ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन में, तो फिर कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है और हमको इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी मिल जा रही हैं. बट देयर इज डिसएडवांटेज टू, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इज दैट देयर इज नो सर्टिफिकेशन फॉर द स्किल अर्न, हेंस अनलेस यूजलेस फॉर गेटिंग जॉब. मतलब आप ये नहीं कह सकते हमको जीवन ने बहुत सिखाया इसलिए आप हमको जॉब दे दीजिए. क्यों? क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इस तरीके की लर्निंग का. और संसार का चलन है कि हमको जॉब डिग्री पर ही मिलनी है. ठीक है, इसीलिए कोठारी कमीशन ने डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स की बात की थी, कि आप जॉब्स को डिग्री से डी लिंक कर दीजिए, अलग कर दीजिए. जरूरी नहीं है कि जिसके पास जॉब होगा उसी को डिग्री दी जाएगी, लेकिन वो अभी सफल नहीं हो पाया. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल अराउंड अस, हेंस वन कैन लर्न रॉन्ग कंसेप्ट्स टू. यानी कि बहुत हो सकता है कि हमको कोई कठिन गलत अनुभव मिल जाए और हम गलत चीजें सीख लें. क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है. ओके, तो ये हुआ इनफॉर्मल एजुकेशन या गैर औपचारिक शिक्षा. फिर आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मींस अनौपचारिक शिक्षा. तो औपचारिक शिक्षा क्या थी, टिपिकली फॉर यूजुअली फॉर एजुकेशन, बट ओके ओके इट्स ओके बट. और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या थी, बिल्कुल भी ये एजुकेशन के लिए नहीं थी, बिल्कुल भी ये लर्निंग के लिए नहीं थी और हमको मिल जा रही थी शिक्षा. और नॉन फॉर्मल इन दोनों के बीच का है, मतलब कि हमको शिक्षा तो मिलेगी और जो इंस्टीट्यूशन या जो बॉडी हमको ये शिक्षा दे रही होगी वो उतना डेलिबरेटली शिक्षा नहीं दे रही होगी, पर शिक्षा दे रही होगी. कैसे? नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिफर्स टू एजुकेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम. यानी कि ये नॉन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है, इतना टाइट शेड्यूल नहीं है इनका, इतना टाइट रूल नहीं फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं बनाए गए हैं लेकिन शिक्षा देते हैं. तो कौन कौन से हैं ये संस्थान, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टर्म्स सच एज कम्युनिटी एजुकेशन. तो इसलिए इसको कम्युनिटी एजुकेशन से भी कभी कभी हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जगह कम्युनिटी एजुकेशन यूज कर लेते हैं, जैसे एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, सेकेंड चांस एजुकेशन एटसेट्रा. तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आ जाएंगे, जैसे स्काउट गाइड का प्रोग्राम, पर्टिकुलरली एजुकेशन देने के लिए नहीं बनाया गया, पर स्काउट गाइड में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. सेवरल फिटनेस प्रोग्राम जो चलते हैं वो फॉर्मली एजुकेट नहीं कर रहे हैं बट नॉन फॉर्मली वो भी हमको एजुकेट कर रहे हैं, कम अंडर दिस कैटेगरी. और क्या होगा इसमें, लर्निंग विच इज एम्बेडेड इन प्लान्ड एक्टिविटीज नॉट एक्सप्लिसिटली डेजिग्नेटेड एज लर्निंग. मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से हमको सीखने के लिए हम गए थे यहाँ पे. इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग टाइम एंड लर्निंग सपोर्ट, यानी कि शिक्षा के अधिगम के उद्देश्यों के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से, उसकी सहायता जो उसमें मिल रही है उसके हिसाब से, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली लर्निंग के लिए है, बट दे एजुकेट अस. फिर एडजस्टेबल टाइम टेबल एंड सिलेबस है यहाँ पे, नो एज लिमिट है एंड प्रोफेशनल स्किल्स टू स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर मिलती हैं. और यूनेस्को ने क्या कहा है 2010 में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हेल्प्स टू इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, इरेडिकेट इलिटरेसी अमंग वुमेन एंड इम्प्रूव वुमेन्स एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन. क्यों? क्योंकि इतने सारे स्कूल्स कॉलेजेस हम नहीं खोल सकते हैं कि सब किसी को एजुकेट कर सके, बिकॉज ऑफ सो ह्यूज पॉपुलेशन. बट ये सब भी चूंकि हमको एजुकेट कर रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लिटरेसी रेट को बढ़ाने में. और स्टूडेंट इसकी डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, अ स्टूडेंट मे रिसीव डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बट ही डज नॉट एंजॉय फुल कॉन्फिडेंस एज इन फॉर्मल सिस्टम. मतलब हो सकता है कि इसमें आपको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ मिल जाए पर पार्शियली हद तक होता है और उससे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि नहीं हमको एक बढ़िया हमारे पास सर्टिफिकेट या डिग्री है और जिससे हमें जॉब मिल सकती है या समथिंग लाइक दैट. ओके, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है,
फॉर्मल एजुकेशन डेलिबरेटली एजुकेशन के लिए बनाया गया, एजुकेट होने के लिए बनाया गया है. नॉन फॉर्मल डेलिबरेटली नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसकी फुल पार्शियल फुलफिलमेंट इसका करता है. और इनफॉर्मल तो बिल्कुल भी हमको शिक्षित करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन हमको शिक्षित करता है. तो एजुकेशन के ये तीनों पार्ट्स आ जाएंगे, तीनों ब्रांचेस हमको हर तरीके से शिक्षा मिल रही है. फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन से शिक्षित होकर आज हम जो हैं वो हम हैं. ओके, सो थैंक यू ऑल. And I have completed one more topic today, formal, informal and non-formal education. And very frequently short notes have been asked over this topic, so prepare it. Okay?